फॉर अवेकनिंग एंड जली गार्डन में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माता दुर्गा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए ईश्वर के क्या संदेश हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लाइक सब्सक्रिप्शन के लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड जो नए लोग हैं जो आज पहली बार ट्यून कर रहे हैं इस चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है, तो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड इज इनर विजडम। सो ईश्वर के क्या संदेश है आपके लिए और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, तो इस रीडिंग में देखेंगे ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है, कौन सी विजडम आ रही है आपकी तरफ, कौन सी ब्लेसिंग्स विजडम क्या आ रही है आपकी तरफ। एंजल प्लीज गाइड करें। परमपिता परमेश्वर डिवाइन, आज मुझे फील हो रहा था कि ये कार्ड आएगा, माँ सरस्वती का कार्ड, क्योंकि जब मैं डेक निकाल रही थी तो उस समय मैंने मेरी फर्स्ट नजर जो है माँ सरस्वती के कार्ड पे ही गई थी, तो मुझे ये फील हो रहा था कि ये कार्ड आएगा आज। एंड बॉटम ऑफ द डेक गार्डियन एंजल्स। तो आपके लिए जो गाइडेंस है दोस्तों आज ईश्वर के, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि बटरफ्लाई मैदान का जो है वो कार्ड आया है। एक चेंज आपके जीवन में आएगा और ये पॉजिटिव चेंज होगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। आपके करियर में एक उछाल होगा, आपके लव लाइफ में एक उछाल होगा, एक मतलब आपकी लाइफ जो है बहुत बदल जाएगी इस रीडिंग को देखने के बाद। यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स, यानी आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आपके लाइफ में चेंजेस जो है पॉजिटिव वे में आने वाला है। यहाँ इनर विजडम की बात हो रही है, तो कार्ड आया है एथेना का, और एथेना जो है वो आपको इनर विजडम को फॉलो करने के लिए कह रही है। आपका जो दिल कह रहा है ना, आपका जो मन कह रहा है, वही बात सच्ची होगी। उसी को फॉलो करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ेगी। आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपके इनर वॉइस जो आपको मिलता है, इनर गाइडेंस जो मिलती है, आपके आपकी जो सोल कहती है वो आपको फॉलो करना है। अगर आप इस तरह से, अगर आप जो है बिना डिले किए हुए अपनी मन की बात सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो आपको प्रोग्रेस मिलने के अपने लाइफ में ज्यादा चांसेस होते हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल। हर बात में पॉजिटिव रहे, हर बार निगेटिव ना रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे। ऑप्टिमिस्टिक रहने से क्या होगा कि मिरेकल मैनिफेस्ट होगी आपके लाइफ में। फेथ रखे अपने प्रेयर्स पे, अपने डिवाइन पर, अपने गाइडेंस पे। जो भी गाइडेंस आपको जहां से भी दी जाती है, वो गाइडेंस पे फेथ रखे। अगर फेथ रखेंगे तो आपके लाइफ में मिरेकल मैनिफेस्ट होगा। और अगर आप मैनिफेस्ट होता है मिरेकल्स, तो आप इसमें वीडियो के नीचे आकर के कमेंट में जरूर जो है कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर करें और मिरेकल्स को शेयर करें कि आपके साथ क्या क्या मिरेकल्स हुई है। और यहां पर जो है जो कुछ भी आपका सवाल है, आप डिवाइन से पूछे, डिवाइन से अलाइन हो, डिवाइन से पूछे कि मदर या फादर जो भी हैं, आप जिन भी डिवाइन को मानते हैं, या परमपिता परमेश्वर शिवजी दुर्गा माँ जो भी हैं आपके डिवाइन, या अल्लाह ईश्वर गुरु जो भी है, आप उनसे सवाल करें कि मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है। आपको डेफिनेटली गाइडेंस दी जाएगी, ड्रीम के थ्रू दी जाएगी, किसी मैसेज के थ्रू दी जाएगी, किसी एंजल नंबर के थ्रू दी जाएगी, किसी एंजल साइन के थ्रू दी जाएगी, लेकिन आपको गाइडेंस दी जाएगी। और जरूरी है कि उस गाइडेंस को आपको नोटिस करना है, नोटिस करने के बाद उस पर फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तब ये आपके जो है मिरेकल्स आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होते जाएगी। द आर्ट्स का कार्ड है एंड सरस्वती माँ का कार्ड, इट्स अ वेरी प्रीसियस कार्ड। और मेरे लाइफ में तो सरस्वती माँ की बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स है और मैं माँ सरस्वती की वजह से ही अपने लाइफ को एक ग्रो कर रही हूँ, इस फील्ड में बहुत आगे हूँ, तो इसलिए मुझे माँ सरस्वती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपके भी लाइफ में माँ सरस्वती का आशीर्वाद आने वाला है। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज, कुछ क्रिएटिव करे, कुछ आर्ट का करे, कुछ क्रिएटिव माइंड विकसित करे और उसके उसी फील्ड में आप आगे बढ़े। आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, पर आपकी क्रिएटिविटी अभी सोई हुई है। उस सोई हुई क्रिएटिविटी को आप लाइमलाइट में लाना शुरू करें, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। उस
सरस्वती माँ की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आपकी विजडम बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है पीस भी आ सकती है आपके लाइफ में, एक प्रकार की शांति होगी। अगर आप विद्या को लेकर के आगे बढ़ते हैं या ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ते हैं या ज्ञान के पावर को आप अपना आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि विजडम भी है यहाँ पे, बुद्धि आपकी इनहेंस होगी और यहाँ पर जो है विद्या मतलब नॉलेज जो है वो इनहेंस होगी और इस रिलेटेड इस फील्ड में आपका जो है जीवन ट्रांसफॉर्म होगा। हो सकता है कि आपको टीचिंग का जॉब मिल सके यहाँ पे, मुझे बहुत ज्यादा ऐसी ब्लेसिंग्स है। एंड गाइडिंग चिल्ड्रन का उसके बाद कार्ड है, इट मीन्स कि आपको टीचर की जॉब मिल सकती है, जो जहां पे बच्चों को पढ़ाना पड़ सकता है आपको। यू आर गुड एट हेल्पिंग, बच्चों से आपको खासा लगाव हो सकता है। आप कोई ऐसा वर्क भी कर सकते हैं जिसमें काउंसिलिंग करना हो या बच्चों को हीलिंग करना, या डॉक्टर से भी रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है आप मेडिकल फील्ड में हो या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इसमें अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए, या किसी को गाइडेंस देनी है अपने विद्यार्थियों को, या फिर कोई एजुकेशन चैनल बनाया है आपने जिसमें आप किसी को गाइड कर रहे हो या किसी तरह की चीजें गाइड कर रहे हो, तो इस तरह से गाइडिंग चिल्ड्रन करें आप, और तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दामड़ा का कार्ड है तो रामड़ा जो है उसमें गाइडिंग चिल्ड्रन से रिलेटेड कार्ड है, तो हो सकता है कि आप बच्चों को फ्री ऑफ एडुकेशन कुछ बच्चों को आप दे सकते हैं, गरीब बच्चों को, जिसके वजह से आपकी लाइफ बहुत आगे बढ़ेगी और आप बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। गार्डियन एंजल का भी कार्ड है, ये दो कार्ड जो है बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, गार्डियन एंजल्स एंड द आर्ट, ये तीनों कार्ड जो है ना बहुत ही पॉजिटिव है आपके जो भी लाइफ में जो एडुकेशन है वो बहुत ही एडुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है। मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति जो है उन्होंने एग्जाम दिया है कंपटीशन का, वो एग्जाम जो उनका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, और आपके और आपके लव्ड वन जो है, आपके जो भी लव्ड वन है जो अगर लव लाइफ में, तो वो बहुत ही सेफ है, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है, आप बहुत ही स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है। आपको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पे गार्डियन एंजल कर रहे हैं, तो अपने गार्डियन एंजल्स के साथ भी कनेक्ट रहे। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, न्यू जॉब की ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है इनर विजडम के अकॉर्डिंग। जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी नॉलेज बहुत इनहेंस होगी और विजडम भी इनहेंस होगी आपके लाइफ में। मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है, तो मिरेकल की जो है ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पे। तो ये थी मेरी वीडियो के क्या संदेश है, ये वीडियो थी मेरी। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दे, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।